सुना योग ना दिया फैसला सुने लायक नजारा और वोट दे दिया सो समझा कर खोले भाई सारा। ऐसा कौन सी पार्टी है जिसको अब की बार गांव वाले जिता कर भेजेंगे वोटे की पार्टी? 70 साल में करे कोई जाना था नहीं पहचाना था मनमोहन सिंह और बदले लिए आप तो वोट करेंगे मोदी ना देंगे। देखो हमारा काम यो है बच्चों आपके मन की बात है, हम नहीं कहते तो हम कांग्रेस ना कहो, हम नहीं कहते तो हम केजरीवाल ना कहो, हम नहीं कहते तो हम नवीन जिंदल ना कहो। बुड्ढे के राज में यह बनी है और अब भी यह खाली है, कांग्रेस के राज में ही कांग्रेस को पानी नहीं मिला जबकि कांग्रेस का राज पंजाब में भी था हरियाणा में भी है। अच्छा नवीन जिंदल कैसा लगा? नवीन जिंदल भी टॉप का बढ़िया लाला जान बढ़िया है। सारी मोदी की वोट है। लगातार गांव गुहांड में हम जा रहे हैं और लोगों की मन की बात क्या है उसको जान रहे हैं। लोग चाहते क्या है, लोग अब की बार दिल्ली की संसद में किसको भेजना चाहते हैं। मैदान में 3 प्रत्याशी हैं जिनमें फिलहाल जो है वो टक्कर देखी जा सकती है, जिसमें भाजपा के नवीन जिंदल है, इनेलो से अभय सिंह चौटाला है और इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता है जो फिलहाल मैदान में है। लेकिन लोग चाहते क्या है, फिलहाल गाँव टीक में हूँ, एक चौपाल में हूँ जहाँ पर हमारे जिनको तजुर्बा है जिंदगी की उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ तमाम चुनाव देखे, तमाम राजनीति देखी और देवीलाल का जो कार्यकाल वो भी देखा, भंजलाल का कार्यकाल वो भी देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल वो भी देखा और ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल वो भी देखा, मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल देखा और अब नायब सैनी का कार्यकाल भी जो है वो देख रहे हैं। फिलहाल चाहते क्या है, इनके मन की बात क्या है और गांव को लेकर किस तरह से किसको जो है वो प्रत्याशी जो मैदान में है जिता कर भेजेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? प्रीतम। अच्छा प्रीतम जी, क्या लगता है आपकी बार गांव का मन क्या है, कौन सा सही उम्मीदवार लगता है? सही तो सारे यहाँ जी, वोट पार्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कौन सी पार्टी है जिसको अब की बार गांव वाले जिता कर भेजेंगे? मोदी की पार्टी है जी। अच्छा बीजेपी को देंगे? हाँ जी। तो नवीन जिंदल के पक्ष में है? हाँ जी। नवीन जिंदल को जिता कर भेजेंगे? हाँ जी। तो ऐसा क्यों है कि मोदी के पक्ष में आप लोग हैं? मोदी ने ही बहुत अच्छे काम करे हैं। अच्छा ऐसा क्या काम करे हैं? SYL ये नहर खटवा के रखी जूट डेगा राज में, इसमें पानी नहीं, आपने भी देखा होगा, आंधे जांधे पार्टी वाले भी देखा, राजनेता भी देखा, सब देखा ना, ये खाली पड़ी है, इसका क्या फायदा होया? उड्डेगा राज में यह बनी है और अब भी ये खाली है, कांग्रेस के राज में ही कांग्रेस को पानी नहीं मिला जबकि कांग्रेस का राज पंजाब में भी था हरियाणा में भी है, तो क्यों नहीं उसको पानी मिला? तो पानी कहाँ से आएगा? तो ये नाराजगी है, नाराजगी सारी बातों की है जी। अच्छा हाँ, तो इस करके अब की बार कांग्रेस को नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन को नहीं देंगे? अच्छा भाजपा को देंगे, मोदी को देंगे? मोदी को देंगे। अच्छा किस अभय सिंह चौटाला भी है? रहे हम जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बस नवीन जिंदल है, नवीन जिंदल है, कमल का फूल है। हाँ जी। तो अब की बार लगता है कि नवीन जिंदल जीत जाएंगे? जीतेगा जी, 100% जीतेगा। अच्छा 10 साल पहले काम किए थे, ठीक थे? मैं हाँ ठीक था जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। हाँ जी। तो इसी करके अब की बार दोबारा फिर बनाएंगे? हाँ जी। अच्छा क्या नाम है? रतनलाल जी। अच्छा रतनलाल जी, क्या लगता है आपकी बार? आपकी बार न्यू लगा जी, 50 साल मन्ना तो इसका मजा आया 50 साल बाद, हम तो वोट गिरेंगे मोदी न देंगे। ऐसा क्यों क्यों हुआ, क्या मजा आया? ऐसा मजा न्यू आया, जो गांव का माहौल है नी, गांव का माहौल में तो सब कुछ कर देगा, योजना मोदी ने देश में भारत का नाम ऊंचा कराया, सिर्फ इसका नाम, भारत का नाम रोशन करा, भारत का उसकर का वोट देंगे, उसकर का वोट देंगे, हाँ खरीदेंगे, खरीदेंगे और सपोर्ट भी करेंगे जी। अच्छा हाँ। अच्छा नवीन जिंदल कैसा लगा? नवीन जिंदल भी टॉप का बढ़िया लाला जी, बढ़िया है, हाँ बढ़िया। जब सांसद रहा तो गांव में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया था, काम कुम कराए कि नहीं कराए? हाँ काम कराए। अच्छा इतनी बार भी उम्मीद है? उम्मीद है नवीन जिंदल के साथ। हाँ जी, हम तो नवीन जिंदल के साथ। हाँ चलो, लगातार लोगों की राय क्या है, लोग चाहते क्या, उसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या लगा इसकी बार, क्या लगा, क्यों होगा? बढ़िया जी, बस जो कुछ ही कहा है बात मारी है मन की। नहीं नहीं, इनके लगे तो हम अपनी बताओ, अपनी भी सुन देंगे, मोदी ना मिलेंगे जी वोट तो, मोदी ने कहा था मिलेंगे, अच्छे काम कर रखे यहाँ, अच्छा काम तो यहाँ कांग्रेस वाले भी करके गए, 70 साल में क्या करे कांग्रेस ने, देश का लम्बो करे कोई जाना था नहीं पहचाना था, ये मनमोहन सिंह और बग्गे ने मुर्गे बन का यहाँ इन्हें मोदी ने वाई पंडिया कहना देश तो चमका दिया, जम्मू कश्मीर वाला हटा दिया, मन ज्ञान था नहीं, धार हटा दी सारी, मंदिर बना दिया और देश में कम से कम नाम तो रहे मोदी, मोदी ने कौन जाना था भारत वर्ष में, अच्छा भारत को जानी था, अच्छा कम से कम 20-30 में नाम तो हो गया, हम तो मोदी ना देंगे जी
सब मित्र वोट मोदी के नाम को वोट देंगे। हाँ जी मोदी। अच्छा जिंदल का जब सांसद था ठीक था काम बढ़िया जी पूरा कुछ करे की निकरा जिंदल बढ़िया करे बढ़िया करे। तो इसे अगर कैब की बार नवीन जिंदल को वोट करेंगे उसे देंगे उसे को देंगे। हाँ जी उसे देंगे। ये अभय सिंह चौटाला और ये इंडिया गठबंधन वाले भी डॉक्टर सुशील नहीं जी आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाला भी ना ना आ रहे जिन्हें तो सारे आवेंगे फिर मारा कहना हम तो वोट मोदी ना देंगे मोदी ना देंगे। भाजी आपका क्या विचार है जो सी बात ही ना कही है भाई ना नू थोड़ी होए करे अपनी बात खुद रखे रहे हैं तो काल ने नू कहेंगे हम तो कुएं में जाएंगे कुएं में जाएंगे जी क्या था और गेला मरना पड़ेगा गेला मरना पड़ेगा। किसा केक रखे इन्होंने किसा केक रखे इन्ना केक रखा फिर एक गांव कुआ में डाएगा गेला गांव को नहीं गांव थोड़ा डालने लग रहे हैं गांव थोड़ा कुआ में डालने लग रहे हैं तो कहा नहीं तो कुआ में डाएगा फिर वो कहो मैं तो इन गेला जाऊंगा वो क्या था लगा अभी मोदी नहीं देंगे वोट क्या किसा कर दिया मोदी ने मोदी ने ना ना कह दे कह दे कांग्रेस ने मोदी ने सारे काम देखो हमारा हमारा काम यो है जो आपके मन की बात है हम नहीं कहते तो हम कांग्रेस न कहो हम नहीं कहते तो हम केजरीवाल न कहो हम नहीं कहते तो हम नवीन जिंदल न कहो मोदी ने के नहीं कर रखा सारे तो बाईपास काट दिए सारी सड़क बना दी हैं। अच्छा जितने गांव में पैड थी वहां सारी बना दी हैं। जोड़ थे वहां खदुआ दिए हैं। काम होया है सफाई कराई उना हैं। अच्छा ईब भी हम तो देंगे जे फूल ना देंगे। अच्छा फूल ना देंगे कमल का फूल ना देंगे इसना कांग्रेस ना मम कुंडरी में घेरे एक कल्ला गांव खनोदा कथरमा कठवाड़ ग्यूंग क्योड़क जमीन मारा गांव के गांव मा अरवा भी उसमें कथर में गेरी। अच्छा आप लोग पुंडरी में गेर रखे हाँ पुंडरी में गेरे। अच्छा क्यों गेरे जी उना वहाँ भी नाराजगी है नाराजगी क्यों नहीं आते मारा काम तो कथर और पुंडरी में गेरे मान कौन जाना उठा। अच्छा खंड डांड हो गया और तहसील वो होगी पुंडरी है फिर जिला कैथल हो गया तम तो तीन ही सैम बांट दिए हम तो तीन ही सैम बांट दिए हम क्यूकर वोट दे देंगे ना। अच्छा हाँ तो मोदी है। अच्छा अंकल जी आप भी आगे आजो 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 तम भी अपने मन की बता दो के लग गए की बार के विचार है के लगा आपकी बार और आगे आजो और आगे आजो और आगे और आगे आजो और आगे आजो। हाँ जी गांव गेला देंगे दो पंडित बैठे हैं हमारे बड़े बैठे पंडित पटियों लाले हम जिनका गेला। अच्छा गांव वाले जिस गेला जाएंगे उस गेला जाएंगे बड़े तो सारे नो काम तो मोदी ने देंगे नहीं देंगे हमें मोदी दे देंगे। अच्छा आप मोदी ने दे देंगे और अच्छा गांव में सारे का माहौल मोदी का लगता है मोदी का जी सारा मोदी का है मोदी ने दे एक आधा गोना तो चोला में रह जा सारी मोदी की वोट सारी मोदी की वोट है यानी नवीन जिंदल ने वोट करेंगे इस बार नवीन जिंदल की वोट नवीन जिंदल की है अपना एक बात सुना दी जिला ने परस कर लो उस साले आए थे विवाह वाले आए थे ना बोला चुनाव योग ना दिया फैसला सोने लायक नजारा और वोट दे दिए सोच समझ कदे खोले भाईचारा तो सोच समझ सोच समझ के देवेंगे और वहाँ सोच समझ के है मोदी की मोदी की है। देखो गांव टीक में है एक चौपाल है यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे आदरणीय बुजुर्ग बैठे थे काफी पड़ाव इन्होंने देखे तो हमने कहा कि चलो इनका तजुर्बा आप लोगों से साझा कर लें लोग चाहते क्या है आपकी बार क्या होना चाहिए और आदरणीय बुजुर्गों ने जो 70 साल में नहीं हुआ जो इनकी सोच है वो अब की बार हुआ कहीं ना कहीं मोदी के कामों से प्रभावित है मोदी के जो काम किए उनसे प्रभावित है उसको लेकर जो है अब की बार मन ये है कि कमल का फूल जो है उसका बटन दबाकर यहां से जो है नवीन जिंदल को विजयी करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर कीजिए।